नमस्कार, मैं आपको शर्मा स्वागत करती हूं आपका हिंदुस्तान में सुनने को भी आई है डालते तो खाती है। 5 लाख से ऊपर की लागत से बनी गौशाला में न खाना न पानी न बिजली, यहां तक के पहुंचने का रास्ता भी नहीं, 2 मजदूरों में से एक का पेमेंट नहीं। 5 लाख से ऊपर की लागत से बनी गौशाला में न खाना न पानी न बिजली, यहां तक कि पहुंचने का रास्ता भी नहीं, 2 मजदूरों में से एक का पेमेंट नहीं, एक को आधा पारिश्रमिक मिला। वो भक्त प्रदेश का मुखिया हो, फिर गायों की दुर्दशा हो, इससे दुखद और क्या हो सकता है। जनपद के कोच विकास खंड के ग्राम चमरसेना में 5,19,000 से ऊपर की लागत से बनाई गई गौशाला, जिसमें गौशाला तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं। भोजनालय का निर्माण तो है पर भोजन की व्यवस्था नहीं। जहां भूसा घास पड़ी होनी चाहिए वहां मिट्टी युक्त गोबर पड़ा है। पानी पीने के लिए नाद का निर्माण तो है पर पानी दूर दूर तक नहीं है। गोबर डालने के लिए गड्ढा तो बनाया गया पर उसमें गोबर की जगह बड़ी बड़ी घास खड़ी है। प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं, साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं। हाल ही में 2 गौसेवक रखे गए थे जिनमें से एक को आधा अधूरा पारिश्रमिक दिया गया और एक को कुछ भी नहीं दिया गया। आज गौशाला में न गाय दिख रही है और ना ही कोई व्यवस्था। जिस गांव में गो और किसान अपने भाग्य पर जीवन जी रहे हैं, सरकार को बदनाम करने, प्रशासन को समस्या पैदा करने के लिए यदि कोई सक्षम है तो ग्राम प्रधान प्रतिनिधि चमरसेना अनिल कुमार है, जो सारे नियम कानून तोड़कर गोवंशों के नाम आ रही धनराशि व गो सेवकों के पारिश्रमिक को भी नहीं छोड़ रहा। ओम प्रकाश उदैनिया, ब्यूरो चीफ, बुदेलखंड, हिंदुस्तान न्यूज 24। नमस्कार मित्रों, मैं ओम प्रकाश उदैनिया, हिंदुस्तान न्यूज 24, बुंदेलखंड ब्यूरो चीफ। लगातार जो जनता की समस्याएं हैं, विशेषकर किसान की समस्या, किसान इस क्षेत्र में ही नहीं पूरे बुंदेलखंड में परेशान है, लेकिन जहां पर जनप्रतिनिधियों ने, स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने शासन का सहयोग किया है, वहाँ पर काफ़ी कुछ किसानों को राहत भी मिली है। शासन के स्तर से यदि बात की जाए तो शासन ने पर्याप्त धनराशि गांव में गौशालाओं के लिए अवमुक्त की है, उसका उदाहरण भी देखने को मिल रहा है इस ग्राम चमरसेना में। जैसा कि मैं अभी बाहर देखेंगे चल करके, तो वो जो जानबूझ कर एक पत्थर लगा हुआ है उसमें लिखा भी हुआ है ये गौशाला का निर्माण कब हुआ है, इसमें कितनी कितनी राशि अवमुक्त की गई है। 5 लाख के ऊपर इसके गांव के लिए, गौशाला के लिए राशि अवमुक्त की गई है। अब उसका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है ये स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर निर्भर करता है। यहाँ जो मैंने देखा, मैं देख रहा हूँ जहाँ पर खड़ा हूँ, ये ग्राम चमरसेना की गौशाला है। छतरी तो बनाई गई है, ये तो आपको दिख ही रहा होगा। शेष को मैं शुरुआत करता हूँ, नीचे की ओर मैं जरा कह रहा हूँ, आपने कैमरा मैन से नीचे की तरफ दिखाइए, कितनी ज़बरदस्त तरीके से गंदगी पड़ी हुई है। इसको कोई देखने वाला नहीं है, इसकी कोई चिंता नहीं किया जा रहा है। ऐसे में गौ माता, जिसको हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी जी किस गौ माता के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं, और हमारे जो ग्राम प्रधानों को जो गांव के लिए जो राशि अवमुक्त की गई है उसके हालात क्या है। देखिए ये दूसरा है, इधर आगे आएंगे, आगे चलते आएंगे। देखिए ये भोजनालय बनाया गया है, ये गौ माता का भोजनालय है, ग्रास इसमें उनको दिया जाता है, इसमें चारा उनको डाला जाता होगा। जरा अंदर को आके देखेंगे, जरा एक बार इसकी स्थिति देखिए, कब से लग रहा है कि इसमें गौ माता को घास नहीं डाली गई होगी। अगर घास डाली गई होगी तो इसके अंदर गोबर नहीं होता है। इस समय देखिए उनका गोबर अंदर पड़ा हुआ है, एक कहते हैं तिनका भी इसमें भूसा का नहीं दिख रहा, चारे का नहीं दिख रहा है। इसके आगे चलिए मैं और कुछ दिखाता हूँ, आगे चलते आइएगा, देखिए हालात क्या है गौशाला की। मैं दूसरा चलता हूँ, ये कहते हैं ना कि खाना और पानी, तो देखिए एक तो खाना की दशा देखी आपने, अब मैं दिखाता हूँ पानी की दशा। जरा आएंगे आगे की ओर, देखेंगे पानी कैसे पीते होंगे, कितनी गौएं इसमें रहती होंगी, कितनी गायें इसमें रहती होंगी, इसको बताने वाला कोई नहीं है। क्योंकि प्रधान प्रतिनिधि जो यहाँ बताए जाते हैं वो तो ये, मैं उनके बारे में भी बता देता हूँ कि झूठ नंबर एक बोलने में, बिल्कुल नंबर एक झूठ बोलते हैं, तो पब्लिक के साथ क्या होता होगा। मैंने भी अभी अभी फ़ोन किया तो उन्होंने अपने असिस्टेंट को फ़ोन उठवाया, मैंने पूछा प्रधान जी कहाँ हैं, तो असिस्टेंट कहता है प्रधान जी घर पर होंगे और मैं गौशाला की नाप जोक करवा रहा हूँ। यहाँ पर जब आए तो सिंगल व्यक्ति यहाँ नहीं मिल रहा है। इससे पता चलता है कि हमारे जो गांव के प्रधान हैं वो कितना झूठ बोलते हैं। देखिए दूसरा नज़ारा मैं आपको प्रतिकारी दिखाता हूँ, ये है इनका लिखा हुआ है
पानी, ये पानी की व्यवस्था है। आइए मैं पानी को दिखाता हूँ, ये इनका जलाशय है। अंदर आइए, अंदर देखते हैं। ये इससे लगेगा कि कब से गौ माताओं को पानी नहीं मिला होगा, यानी गौ के नाम पर कितना खाया जा रहा है, इससे ज़्यादा खराब क्या हो सकता है। देखिए ये गौ माता का जलाशय है, कहीं पर कोई पानी की व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ एक छोटा सा हौज बनाया गया है, इस हौज को देखिए, कीड़ा मकोड़े जबरदस्त तरीके से हैं। पानी नाम की चीज़ नहीं है, पानी है तो कितना गंदा पानी है। ये देखेंगे कितने ज़बरदस्त तरीके से इसको क्या गौ माता पीती होगी, इसमें जीभ भी नहीं लग सकती है। ये पानी यहाँ दिखाई दे रहा है। तीसरा मैं और दिखाता हूँ, एक दृश्य और दिखाता हूँ, इसके बाद आपसे बात कराऊँगा और कैसे शासन के पैसा का दुरुपयोग किया जा रहा है। जिनको रखा जाता है, जिन व्यक्तियों को यहाँ काम के लिए रखा जा रहा है, जो गौ माता की सेवा कर रहे हैं, उनके साथ भी छलावा हो रहा है, ये भी हम आपको भी बताएंगे। थोड़ा सा चलते चलते हैं, ये रास्ता देख रहे हैं। और इसके पहले मैं बता दूं, जैसे इस गौशाला के लिए हम लोगों का आगमन हुआ, कहीं से कोई रास्ता नहीं है, ज़बरदस्त कीचड़ है और ये कहा जाए कि घास के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ तक कि हमारी टीम जब वहाँ से आई थी तो सांप नाग देवता भी हमको मिल गए, और नाग देवताओं से मैंने अपनी कैसे बचत की ये हम लोग जानते हैं। तो गाँव गायों की क्या स्थिति होगी, यहाँ आने वालों की क्या स्थिति होगी, अफसोस इस बात का। देखिए ये लिखा हुआ है गोबर का गड्ढा, यही दिखाया जाता होगा, यही बना के कागजों में भेजा जाता होगा, ये है गोबर का गड्ढा। देखें अंदर, देखते हैं कितना गोबर इसमें हुआ है, देख लीजिए कितने ज़बरदस्त तरीके से गोबर भरा हुआ है, यही खाद होगी, यही दिखाई दे रहा होगा, ये गोबर है यहाँ पर। चलिए और मैं कह दूँ, अभी एक साल पूरा नहीं हुआ है और ये देखिए हालात, देखिए सब कुछ खिंच के बगल हो गया है। इसको अगर दिखा दें तो ये ईंटा जा चुके हैं, बुरी तरीके से टूटन इसमें हो चुकी है, ये है यहाँ की दशा। अब मैं मिलवाता हूँ जिन्होंने यहाँ पर अपना पूर्ण समय दिया है, पूर्ण समय देकर के गौ सेवा की है, उनके साथ क्या क्या हालात गुजरे हैं मेरे सामने हैं। क्या नाम है दादा आपका? सेवाराम जी हैं आप, और इन्होंने गौओं की सेवा की है इस आशय के साथ कि सेवा प्राथमिकता है, लेकिन सेवा के साथ साथ घर परिवार चलाने के लिए भी मानदेय आवश्यक है, वरना घर परिवार कैसे चलेगा। तो उस दृष्टि से आपको कुछ समय के लिए रखा गया था, और क्या क्या के रखा गया था ये आप बताएंगे। देखिए दादा सेवाराम जी, एक बात और हम तो आपसे जानना चाहेंगे, एक तो रात के समय में, अच्छा ये जो चारों तरफ ये गड्ढे बनाए गए, कुछ बाहर बनाए कुछ अंदर, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये चौपे धस सकते बालंग जालंग का, अच्छा अच्छा नहीं तो ये बताइए पशुओं के लिए छोटे छोटे डंगे निकल जाते ताकि नहीं, तो ये गड्ढे लाइन के बाहर बनाए है, इधर अंदर बनाया गया, ऐसा क्यों? इससे जासन का दूसरे खेत पड़ रहा था, अच्छा वो खेत दूसरे को पड़ रहा था, ये पड़ती की जमीन, पड़ती जमीन। चलिए जैसे जब आप जानवर देख रहे होंगे, यहाँ व्यवस्था देख रहे होंगे, तो ये ताला वाला तो बंद रहता होगा? ताला बराबर बंद रहता है, इस समय टोटल खुला रहता है, कोई मतलब नहीं। दूसरा देखिए, रात्रि को जैसा कि मैंने कहा कि प्रकाश की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, आप रात में जब आते होंगे और रात में कोई समस्या घटना घटे तो प्रकाश के लिए आप लाइट आप लाते थे, लाइट यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरा जैसे पानी की व्यवस्था आपने दिखाया, अभी भी उसमें कुछ नहीं है, तो पानी कहाँ से लाते होंगे? पानी बोरिंग से, बोरिंग कितनी दूर है? बिल्कुल लगी जो बगे काम है, किसी दूसरे की बोरिंग? हाँ, दूसरे की बोरिंग से उसी पाइप डाल के, पाइप डाल के लाते थे, पाइप डाल के। तो उनको कोई यात्रा नहीं था कि यहाँ कोई डाल लो यहाँ कोई? अच्छा जैसे आपने जब से छोड़ दिया तो वो बोरिंग में पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं, यहाँ पानी भी नहीं मिलता? हाँ कुछ नहीं, आपका चौपी है नहीं, अब किसी के गाँव में जाते पानी नहीं। अच्छा जी, गांव में जानवर जाते हैं तो रात में भी नहीं आते होंगे? रात में जो धसा ये आदमी जब नुकसान होता है, कौन धसाता होगा, कौन लाता होगा? बड़े आदमी किसान, अच्छा किसान लाते हैं, कोई उसके लिए निश्चित व्यवस्था नहीं है? हाँ, जानवर लाए धसा दिए उन्होंने, मान लो गेट बंद कर दिया, बैठे अच्छा मान लीजिए रास्ते में किसी ने रात में खोल दिया तो भाग गए, तो भाग गए, कोई रखवाला है नहीं, कोई देखने वाला है? कोई देखने वाला नहीं। तो देखिए ये है वास्तविक स्थिति ग्राम चमर सेना के गौशाला की। जी मित्रों देखिए, जैसा कि मैंने अभी अंदर से जो गौशाला का दृश्य दिखाया वो ये है गौशाला, और मैं यहाँ तक आपको बता दूँ किस तरीके से हमारे जनप्रतिनिधियों को भी बदनाम किया जाता है, चूँकि जो हमारे माननीय विधायक जी ने इसका उद्घाटन, उनके द्वारा कर कमलों के द्वारा उद्घाटन हुआ है, निश्चित रूप से लोगों को लगता है कि एक अच्छा होगा, और उनको भी गुमराह किया जाता है, ऐसा नहीं है। उनको अगर ये संज्ञान में ला दिया जाए तो ऐसा नहीं है कि माननीय विधायक जी इस पर जो है एक्शन नहीं लेंगे, चूँकि विधायक जी ही योगी के अंग हैं, और जो ऐसा विधायक जी करेंगे वो योगी जी पर असर पड़ेगा उसका। देखिए माननीय विधायक जी का भी यहाँ पर पत्थर लगवा दिया गया, बहुत अच्छी बात है, जनप्रतिनिधि हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। देखिए और ये दिखाया गया, मैं दिखा देता हूँ, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना वर्ष 2019-20 में बनाई गई है, अभी ये ना मानिएगा कि पूरा वर्ष बीत गया है, एक साल भी ठीक से नहीं बीता है। कार्यस्थल दिखाया जा रहा है, खलिहानों की जमीन में ये बनी हुई है, कार्यदायी संस्था परियोजना की लागत दिखाया जा रहा है,
5,79,725 रुपए इसके लिए अवमुक्त हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतनी धनराशि आवंटन की गई है, कहाँ कहाँ उपयोग हुआ है। पानी की व्यवस्था इसमें नहीं है, बिजली की व्यवस्था इसमें नहीं है, जानवरों को बैठने की व्यवस्था इसमें नहीं है। बहुत बुरी हालत में देखा होगा, जैसे गंदगी पड़ी हुई है, रखवाला यहाँ कोई नहीं है। आखिर ये 5,79,000 गया कहाँ। दूसरा देखिए, कार्य समाप्ति तिथि है, धनराशि लाख इतना लिखा हुआ, 5,59,725 लिखा हुआ है। इसके देखें दैनिक मजदूरी भी इसमें 182 दिखाई गई है। दैनिक मजदूरी क्या हालत रही होगी, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर जो सेवा कर रहे थे, गौ सेवा कर रहे थे, उनसे भी जानकारी कराई, तो उनको कितना पैसा अभी तक मिला। दो लोग थे, एक को पैसा मिला ही नहीं है और एक को मिला है तो मात्र 9,000 रुपये मिला है। 9,000 मिला ना, 9,000 रुपये मिला है। आखिर गरीबों का भी शोषण हो रहा है, जो सेवा कर रहे हैं उनका भी शोषण हो रहा है, और गौ माता तो कहा जाए कि बेचारे मूक हैं, बोल नहीं सकते, उनके साथ क्या अन्याय हो रहा होगा, ये तो आप देख लिए हैं। और कार्यदायी संस्था कोई दूर नहीं है, यहाँ के ग्राम प्रधान हैं, ग्राम प्रधान के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। देख चलिए मैं इधर दिखाता हूँ, जैसा कि मैंने बताया था यहाँ हम गौशाला के लिए आते हैं, दूर दूर तक देखिए कोई रास्ता नहीं है कि हम लोग कहाँ से आ सकते हैं। कोई भी पब्लिक का आदमी आना चाहे, जनता का आदमी आना चाहे तो कहाँ से आएगा, कोई रास्ता नहीं बनाया गया, झाड़ झक्कड़ खड़े हुए हैं। इसी में अभी हमारी जैसे टीम आ रही थी तो नाग देवता हमारे बीच में आ गए थे, उन्होंने रास्ता भी काटा। अच्छा हुआ कि हम लोग देख के चल रहे थे, वरना हमारे साथ भी कोई स्थिति गुजर सकती थी। तो ये हालात हैं, ये देखा जाए कचरा से भरा हुआ, गंदगी से भरा हुआ, गंदगी का अंबार लगा हुआ, चारों ओर हालात ये है गौशाला। और ये योगी जी को बदनाम करने के लिए स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, जो प्रधान हैं, वो किस तरीके से कदम उठा रहा है, ये वास्तव में एक चिंता का विषय है। और इस पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों को, चूंकि मुख्यमंत्री जी तो यहाँ देखने आएंगे नहीं, ये भी मान लीजिए मुख्यमंत्री जी हर जगह नहीं जा सकते, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि जो हैं, स्थानीय सत्ताधारी लोग जो हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको इसकी चिंता करनी चाहिए। हिंदुस्तान न्यूज़ 24 के लिए ओम प्रकाश उदयनी।